नमस्ते, राम राम। मैं देवांशु पद्मनाभ। आप संभवतः समझ गए होंगे कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। यह दूसरा मौका है जब मैं यहाँ आया हूँ और ये ओरछा का सुप्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर है। पिछली यात्रा मेरी अप्रैल में हुई थी और उस दिन रामनवमी का शुभ अवसर था और प्रचंड भीड़ थी, इस कारण मैं राम राजा मंदिर के दर्शन भी नहीं कर पाया था। आज दर्शन करने के बाद यहाँ आया हूँ और चतुर्भुज मंदिर के मोहक स्थापत्य से खींचा चला आया हूँ। आप देखिए, यह मंदिर इस क्षेत्र का सबसे विशाल मंदिर है। इसका शिखर आप देख सकते हैं कितना ऊंचा है। जो मध्य शिखर आप देख रहे हैं वह सबसे अधिक अलंकृत है। उसके बाहरी दीवारों पर जो गवाक्ष जैसे बने हुए हैं उस पर चार स्तंभ आप देखते हैं, और उसके जो मूल जो शिखर है उसको चारों ओर से छोटे छोटे शिखरों ने, शैल श्रृंगों ने उसे घेरा हुआ है और उसकी शोभा को वो बढ़ाते हैं। यह एक नीचे महल है और ऊपर इसे मंदिर का रूप दिया गया था। मधुकर शाह के द्वारा बनवाया गया मंदिर है। 16वीं शताब्दी में मध्यकालीन भारत का मंदिर है, लेकिन वास्तुकला के दृष्टिकोण से इसकी सुंदरता अद्भुत है, अद्वितीय है और अपने आप में अनूठी है, क्योंकि इस क्षेत्र में इस तरह का कोई मंदिर नहीं मिलता जिसे एक प्रासाद के ऊपर निर्मित किया गया है। इसके बाहरी इलाकों में घूमते हुए, बाहरी क्षेत्र जो है परिसर, उसे आप निकट से देखें। जैसे यहाँ सामने आप देखते हैं मकर मुख है, मूलतः प्रासाद है, लेकिन चूंकि नीचे गर्भगृह में भगवान विष्णु विराजते हैं इसलिए यहाँ पर एक मकरमुख है जहाँ से कि जल निकासी की व्यवस्था होती थी। और नीचे आप देख सकते हैं कि यह भी एक विशाल, इसका वेदीबंध जिसे हम कहते हैं, जगती अधिष्ठान के ऊपर जहाँ से मंदिर खड़ा किया जाता है, वह कितना सुविस्तृत और सुघड़ सुंदर है। ओरछा का यह मंदिर अति प्रसिद्ध है। यद्यपि राम राजा मंदिर में अधिक भीड़ होती है और वहाँ पर फोटो खींचना, वीडियो बनाना ये सब वर्जित हैं, इसलिए मुझे यहाँ आकर के ही वीडियो बनाना पड़ा। और स्थापत्य की दृष्टि से यह मंदिर इतना सुंदर है कि यहाँ कई बार आने के बाद भी मन नहीं भरता। यद्यपि हमारे देश का एक विचित्र सा चलन है कि यहाँ मंदिर की दीवारों पर भी लोगों ने अपने नाम लिख दिए हैं और अंडबंड लिखे हुए हैं, मतलब सोच करके ग्लानि होती है और अजीब सा अनुभव होता है कि कैसे अजीब से देश में हम रहते हैं जहाँ पर कि लोगों को अपनी सांस्कृतिक धरोहरों का भी मान रखना नहीं आता। मंदिर की दीवारों पर भी लोग कुछ कुछ लिख करके चले जाते हैं, अपनी प्रेम कथाएँ उकेरते हैं। मैं आपको भीतर इसके गर्भगृह में लिए चलता हूँ और वहाँ से ओरछा के दूसरे जो हिस्से हैं वो भी दर्शनीय हैं, दिखते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा मंदिर है और यहाँ सीढ़ियों पर चढ़ते हुए आप हाँफ जाते हैं। यहाँ पर प्रतिमा है भगवान विष्णु की, चतुर्भुज लक्ष्मी जी के साथ वे विराजते हैं। इसका ऊपरी हिस्सा आप देखिए, आप इसे देख करके इसे जो इसकी प्रासाद की शोभा है उसे आप अनुभव कर सकते हैं। और उसके ऊपर यही जो मैंने दिखाया था मध्य शिखर विराजित है ठीक इसके ऊपर, जिसकी शोभा आपने बाहर से देखी। मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ और इसे एक बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया था। ये जो आप सामने प्रवेश द्वार देखते हैं और उस प्रवेश द्वार से जब हम बाहर निकलते हैं तो ओरछा का महल है, मतलब कुछ इस तरह से इसे गढ़ा गया था कि महल से सीधे मंदिर के दर्शन हो सकें, गर्भगृह तक देखा जा सके। यहाँ से आप ओरछा का दृश्य देख सकते हैं। चूँकि थोड़ी बहुत बारिश हो गई है इसलिए ये पूरा क्षेत्र जो है हरितिमा से ढक गया है। पिछली बार अप्रैल में जब मैं आया था तब ये सारा वन क्षेत्र और झाड़ियाँ सूखी पड़ी थीं, लेकिन अब यहाँ पुनः हरियाली छा गई है और यह अत्यंत सुंदर विहंगम दिखता है। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। इसके बाहरी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर आप देखें सुंदर नक्काशीदार गवाक्ष गलियारे बने हुए हैं और भीतर मंदिर है और उसके ऊपर तीन अलंकृत शिखर हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप ओरछा अवश्य आएंगे और इस मंदिर का दर्शन करेंगे।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।